तो दोस्तों, जिस तरह आयरन मैन की डेथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो चुकी है, उसी तरह आयरन मैन की डेथ मार्वल कॉमिक्स में भी हुई है। इसलिए मार्वल ने आयरन मैन को पूरी तरह से रिबूट करने की एक छोटी सी कोशिश की है और एक कॉमिक बुक लाई है जिसका नाम है आयरन मैन 2020। अब इस कॉमिक बुक में होता क्या है, आयरन मैन का अडॉप्टेड ब्रदर एरनो स्टॉक टोनी स्टॉक की जगह लेता है। और तो और, ये कहाँ से आ जाता है इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन ये आके आयरन मैन की जगह लेता है, ये चीज़ कंफर्म कर दिया मार्वल ने। अब ये कॉमिक बुक में अडॉप्ट हो रहा है, तो ये प्रोसीजर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्टोरी लाइन में भी अडॉप्ट होगा कि नहीं, ये एक मिस्ट्री है। क्योंकि अगर एरनो स्टॉक कहीं ना कहीं से आता है, तो वो आयरन मैन जितना या कहे टोनी स्टॉक जितना इंटेलिजेंट होगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और तो और, आयरन मैन का मेंटल लेने के लिए ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई लोग हैं, जैसे कि हार्ली, उसके बाद आयरन हार्ट की टीवी सीरीज आने वाली है और कुछ सालों बाद मॉर्गन स्टार्क भी आयरन मैन का मेंटल लेने लायक हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, कोई नया करेक्टर आके अचानक से अपने आप को आयरन मैन का अडॉप्टेड ब्रदर बोल के आयरन मैन का मेंटल कैसे ले सकता है। हाँ, कॉमिक बुक में सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि उनकी स्टोरी काफ़ी डिटेलिंग से दी जाती है, लेकिन अगर बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतनी डिटेलिंग से स्टोरी नहीं दिखाई जा सकती। और कॉमिक बुक में अगर कोई कैरेक्टर मरता है मेन यूनिवर्स में भी, तो किसी तरह जिंदा होकर वापस आ सकता है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कोई अल्टरनेट रियलिटी ना क्रिएट किया जाए। अभी की कॉमिक बुक सीरीज में अगर कॉमिक्स टोनी स्टार्क को मरा हुआ दिखा रही है, तो हो सकता है कुछ सीरीज बाद वो टोनी स्टॉक को फिर से जिंदा कर दे किसी न किसी रीजन के। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर टोनी स्टॉक चला गया है, तो उसको लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसकी जगह कोई लेने के लिए अगर आएगा, तो उसको लंबे समय तक टिकना पड़ेगा और उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो टोनी स्टॉक जितना ही काबिल है कि नहीं, या फिर उससे बेहतर है कि नहीं। और अगर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूँ ऐसे सुपर हीरोज का जो मर के वापस जिंदा हो गए हैं, तो उनमें से एक सुपर हीरो है वुल्वरीन। वुल्वरीन कॉमिक बुक में कई बार मर चुका है, लेकिन जैसे जैसे कॉमिक बुक की नई सीरीज आई है, हमने वुल्वरीन को वापस जिंदा होते हुए देखा है। तो सेम केस आयरन मैन के साथ भी हो सकता है कि अगर आयरन मैन किसी सीरीज में मर जाता है, तो किसी तरह कॉमिक बुक में वो फिर से जिंदा हो सकता है और बाद में एरनो स्टॉक उसकी जगह से हट जाएगा, फिर टोनी स्टॉक खुद आके फिर से आयरन मैन बन जाएगा। इन सब के अलावा मार्वल ने थॉर के कैरेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, और साथ ही साथ गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। उन सब की बात मैं अपने अगले वीडियोस में करूँगा, लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर एरनो स्टॉक कहीं ना कहीं से आ जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो आप उसे टोनी स्टॉक की जगह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? और अगर आपको ऑप्शन दिया जाए शूरी, आयरन हार्ट और हाल ही में, तो आप किसको नेक्स्ट आयरन मैन बनता हुआ देखना चाहते हैं? अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।